नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, इस जो एक स्पेसिफिक वीडियो है ये इतने ज्यादा डिमांड के ऊपर बनाई जा रही है क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड गिरावट जिसे कही जाती है, लोगों को 200 रुपए के टारगेट का लॉलीपॉप दिखा करके लिटरली में निवेशकों को बर्बाद किया गया इसमें। और मतलब मुझे याद है इसमें लोग 200 रुपए 160-170 तो यूं इसका टारगेट दिया करते थे, और अधिकतर लोग बाकी कई जगह ये खबर आती थी कि हाँ भाई वैल्यूएशंस बड़े स्ट्रेच हैं। लेकिन लोगों को एक चीज ये समझ नहीं आती, वैल्यूएशन स्ट्रेच क्यों थे, आप उस रीजन में जाते, बाजार में भर भर के लिक्विडिटी थी कह लीजिए। और ये डायलॉग अगर आप मेरे पुराने वर्ष तो बहुत लंबे समय सुन रहे होंगे कि गधे घोड़े सब भाग रहे थे, अब घोड़े भाग भी नहीं पा रहे तो खड़े हुए हैं और सारे के सारे गधे स्टॉक नीचे आ रहे हैं। और वो गधे स्टॉक में इसलिए कह रहा कि वो कंपनी खराब है, कंपनी खराब नहीं है, उसमें हवा भर दी गई थी, अब वो बस अपने एक्चुअल वैल्यूएशन के आसपास आ रहे हैं। और अब वो कह लीजिए आप लॉन्ग टर्म निवेशक के रूप में एक अच्छे मौके देंगे आपको खरीदारी के। हर एक स्टॉक की एक वैल्यूएशन होती है, भाव भगवान है ये हर कोई कहता रहता है, और ये यूं ही नहीं कही जाती बात को। आपके सामने मैं बहुत पुराने समय से एक चीज कह रहा हूं, इन्फ्लेशन में नजर रखिए। इन्फ्लेशन एक कह लीजिए बहुत ही बड़ी एक खतरनाक चीज महामारी की तरह बढ़ रही है, और सिर्फ यहां नहीं वैश्विक बाजारों में बढ़ रही है वो, और इसका सीधा असर खाने की प्लेट में आके पड़ रहा है। और देखिए कंपनी साथ प्रॉब्लम ये है कि वो तुरंत तो बढ़ा नहीं सकती कॉस्ट को, भले ही धीरे धीरे बढ़ाएंगी, कंपटीशन इतना ज्यादा है कह लीजिए, और इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, और नए नए आइडियाज करके उन्हें कस्टमर को खुश भी रखना है, प्राइस भी ज्यादा नहीं बढ़ानी है, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना आपके बॉटम लाइन में, आपके बैलेंस शीट में। आप अभी प्रॉफिटेबल भी नहीं हुए थे तो स्टॉक का नाम क्या है, क्या आपको तो दिख ही गया होगा थंबनेल में और उसमें। तो यदि आपके पास है और आप बहुत ह्यूज लॉस में हैं, प्लीज ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारे डाउट्स आपके इसमें मैं क्लियर करने वाला हूं। सेकंड चीज, अगर आप इसमें निवेश नहीं भी किए हुए हैं, ठीक है, अगर आप इसमें निवेश नहीं भी किए हुए हैं, मुझे लग रहा है अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों कह रहा हूं मैं, शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी टर्बुलेंस दिखेंगे, थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन अगर आप आराम से इसे एक्युमुलेट कर सकते हैं तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे एक प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब्सक्राइब भी किए हुए हैं तो उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार इसे नोटिफिकेशंस नहीं जा रही है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दोनों दबा दीजिए, और अगर यदि आप सब्सक्राइब ऑलरेडी किए हुए हैं तो एक बार चेक कर लीजिए कहीं आपने ऑल नोटिफिकेशन दबाया है कि नहीं दबाया, अगर नहीं दबाया तो उसे प्लीज दबाए। सीधा लेके चलूंगा मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों ₹100 टूट चुका है, ठीक है, ₹100 टूट चुका है। ये रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड को देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा, बर्गर किंग जो है उसी का नाम है, ये लिस्टेड नाम है बर्गर किंग का, इसने ₹100 टूट दिया है। दोस्तों इस टाइम में मुझे याद है इसके ऊपर टारगेट्स, ओफो इसके टारगेट मुझे याद है, कई लोग 220, इसमें लोगों ने 170 तक में खरीदारी की हुई है। आप समझिए बेचारे कितने लॉस में होंगे, और बेचारे ऐसे में नहीं कह रहा कि वो गलत किए होंगे, क्योंकि माहौल ही ऐसा था बाजार का। और मैं हमेशा कहता हूं मेरा जो वीडियो होता है ना वो स्पेसिफिकली होता है रिटेल निवेशकों के लिए, ठीक है, मेरा जो वीडियो होता है वो बेसिकली होता है रिटेल निवेशकों के लिए। और आज जब इसने ₹100 तोड़ दिए दोस्तों, एक ह्यूज लॉस हुआ है निवेशकों को। आप देखें पिछले एक साल में, आप देखिए मैं आपको दिखाऊं पिछले एक सालों में इसने 127 का ऊपरस्थ लगाया है, और ये देखिए वहां से 21% ये टूट चुका है, ठीक है दोस्तों। ये निवेशकों के साथ क्या कह सकते हैं आप, क्या ये तो फिर बदमाशी ही हुई एक प्रकार से। आपने निवेशकों को 130-140 के आसपास भी इसको खरीदारी की गई थी, बहुत इसको मतलब मैं कहूंगा बहुत लॉस में है लोग इसमें दोस्तों, बर्गर किंग में लोग बहुत ह्यूज लॉस में है दोस्तों, ठीक है। और देखिए इसने ₹100 तो तोड़ दिया है, अब आगे क्या, देखिए इसके सामने प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है दोस्तों, वो है इन्फ्लेशन, ठीक है, वो है इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन से बहुत प्रॉब्लम आएगी क्या? सबसे पहला इनके इनपुट कॉस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, जो रॉ मटेरियल लगते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है, जो एम्प्लॉय कॉस्ट लगती है, ये तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। तो किस में प्रॉब्लम हुई? इनके इनपुट कॉस्ट में। कहाँ पर फ़र्क है? इनके बॉटम लाइन में। ये प्राइस इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, प्राइस इंक्रीज ये तुरंत से इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। और दूसरा, जब मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, ह्यूज कॉम्पिटिशन है, ठीक है। और आप देखिए, जो ये प्राइस इंक्रीज इन्होंने किया हुआ, प्राइस इंक्रीज करेंगे भी तो आराम से करेंगे, और जब तक करेंगे तब तक उनको प्रेशर तो अपने बॉटम लाइन में उठानी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा है, जो QSR चेन्स हैं, इसमें कॉम्पिटिशन बड़ा तगड़ा है दोस्तों, ठीक है। इनको एक्सपेंशन भी बहुत करना है, जिसके लिए कैश चाहिए, और ये एक अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मिला करके एक बहुत बड़ा, आप कह लीजिए, डेंट पैदा कर रही है इनके स्टॉक के प्राइसेस में, ठीक है। और भाई, तो 100 रुपये तो इन्होंने तोड़ा है, और ये तोड़ा भी कैसे, आप देखिए, ये मैं आपको NSE की वेबसाइट में दिखा रहा हूँ। आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा, जो इतना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है दोस्तों, 18 लाख कह लीजिए आप, क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 72 शेयर्स की डिलीवरी भी उठाई गई है। कितनी? 72% की डिलीवरी, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों लॉस की डिलीवरी है, ठीक है, ये लोगों ने लॉस लिया है और गिरावट में इसे छोड़ दिया है, बेचा नहीं है अपने स्टॉक को, लोग घर लेकर के गए। और हिस्टोरिकल आप देखेंगे तो ये लगातार वॉल्यूम बढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 14 से यहाँ कम हुए, फिर 12, सीधा 18,000, तो ये हैवी, ठीक है, ये हैवी वॉल्यूम के साथ बिकवाली हो रही है, हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें बिकवाली हो रही है। और ये मुझे नियर टर्म में थोड़ी रुकती नहीं दिख रही है, बीच में अगर मुझे लगता है कि आज बाउंस आ जाए तो ठीक है, बस मैं ये चाहूँगा कि 100 रुपये से कम से कम ऊपर ही रहे दोस्तों। कल अगर ये 100 रुपये से ऊपर रह जाता है या 1-2 दिन के बाद, तो मैं थोड़ी राहत की सांस लूँगा। क्यों? क्योंकि अगर 1-2 दिन सस्टेन कर गया ना नीचे दोस्तों, तो 100 रुपये को एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना बैठेगा, और फिर जब गिरावट होगी बाजार में कहीं पर इकट्ठा, तो फिर ये स्टॉक प्राइजेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो भाई क्या करें, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बर्गर में मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। देखिए, खाने पीने की चीज़ें भारतीय बाजारों से कभी नहीं जाने वाली, लोग यहाँ के खाने वाले हैं और खाएंगे। इन्फ्लेशन के कारण शायद 1-2 क्वार्टर आपको थोड़ा परेशान हो, आप थोड़े परेशान हो, आपको थोड़ी डर लगे, ठीक है, स्टॉक थोड़ा नीचा और दिखा दे, लेकिन प्लीज़ आराम आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेवल्स की बात करूँ मैं, आप देखिए, जो सबसे अभी जो यहाँ पे 97.45, और ये डेली बेसिस पे इसीलिए आपको कम लग रहा है ये, कि भाई यहाँ तोड़ के 97.45 नेक्स्ट है। देखिए, सब चीज़ बेयरिश है, लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मुझे लग रहा है अगर आप मान लीजिए अभी से भी शुरू करते हैं या थोड़े से कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ ₹90 का इंतज़ार कर सकते हैं। 90 रुपये मुझे लगता है एक नए निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है, ठीक है। और अगर आप नए, माफ़ कीजिएगा, एवरेज के लिए 90 रुपये काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है, और अगर आप कह लीजिए नए निवेशक है, तो करंट मार्केट प्राइस मुझे लगता है आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, गिरावट अगर होती है तो कम से कम इसमें 15% का गैप रखिएगा एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 15% की आप कह लीजिए एवरेजिंग के लिए रखिएगा, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। देखिए, कंपनी अच्छी है, कंपनी कोई डाउट नहीं मुझे, कंपनी खराब है, कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, लेकिन अभी पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों। चाहे आप जुबिलेंट फूड देख लें, जोमेटो देख लें, इन तमाम चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। इसीलिए आराम से एक्यूमुलेट कीजिए, कोई हड़बड़ी, कोई जल्दबाजी करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आराम आराम से एक्यूमुलेट करें। और 90 रुपये मुझे लगता है एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इसके पास, अगर ये 90 टूटेगा देन 83 के आसपास एक सपोर्ट नेक्स्ट मुझे दिखता है, और मुझे लगता है कि इसमें हमें एवरेज नहीं करना है। आराम से मैं फिर कहूंगा एटलीस्ट 15%, 12-15% की आप गिरावट देखें, उसके बाद आप एवरेज करिएगा, वरना छोड़ दीजिए स्टॉक को। और प्लीज इसमें तुरंत बताइएगा, 3-5 ईयर्स अपने स्टॉक को जरूर रखिएगा, ठीक है, इतना हॉरिजन जरूर रखें। आपको मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छे रिटर्न कमा के देगा ये स्टॉक आपको, बस हॉरिजन इतना रखना है, वही पैसे लगाएं प्लीज जो आप बहुत समय तक यूज ना कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए थोड़े दिन, क्योंकि ये कंसोलिडेट शायद करें लंबा समय तक, और अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई फिर भाग गया, फिर आपको बहुत अफसोस होगा। इसलिए भले कम क्वांटिटी में उठाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उठाएं। और अगर ये पूरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।